नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मेडिकल स्टूडेंट मानव मृत शरीर के बजाय अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीखेंगे इलाज। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में स्किल लैब स्थापित की जाएगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स मानव पुतली पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रयोग कर सकेंगे। लैब में मौजूद विशेषज्ञ उन्हें इलाज की बारीकियां सिखाएंगे। मानव के मृत शरीर मिलने में होने वाली कठिनाइयां भी दूर होंगी। वरिष्ठ डॉक्टर की देखरेख में मेडिकोज मरीजों का और बेहतर ढंग से इलाज कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अस्पताल में आ रहे मरीजों का उपचार किस तरह किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस वो वरिष्ठ डॉक्टर की देखरेख में करते हैं। मरीजों की जान के जोखिम को देखते हुए उन पर सीधे तमाम प्रयोग नहीं किए जा सकते। ऐसे में मानव पुतले पर प्री प्रोग्राम की मदद से विभिन्न बीमारियों के उपचार के बारे में वो तौर तरीके सीखेंगे। हार्ट अटैक होने से वो किस तरह से उपचार प्रारंभ करें और रोगी के गंभीर होने पर किस तरह उसकी जान बचाएं, इसके बारे में वो इसके लैब में आसानी से सीख सकेंगे। कंप्यूटर पर प्री प्रोग्राम अपलोड किया जाएगा और उन्हें ये समझाया जाएगा कि वो इलाज में क्या क्या सावधानी बरतें। अगर इलाज सही नहीं हो रहा तो मानव पुतले पर उसके दुष्प्रभाव को देख सकेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 3N न्यूज नेटवर्क। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 3N न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।